नगर शहर के मोतीनगर में बने योगा भवन अर्थात फंक्शन हॉल के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप पूर्व नगर सेवक डॉक्टर मुश्ताक ने लगाया है। वहीं नगर सेवक सैयद अकरम ने इस योगा भवन को न सिर्फ शहर का सर्वोत्तम योगा भवन करार दिया बल्कि निर्माण कार्य विभाग के अधिकारी, बिल्डिंग प्रशिक्षण के सरकारी दस्ते और अभियंता की निगरानी में सरकारी मापदंडों के साथ योगा भवन बनाए जाने की बात को दोहराई है। पेश है बीसीएन के दिग्गज संवाददाता जुबेर खान की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोतीनगर के गरीब तथा आम लोगों को शादी समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाया गया योगा भवन इन दिनों चर्चा में है। पूर्व नगर सेवक डॉक्टर मुश्ताक ने इस योगा भवन के निर्माण कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार का न सिर्फ आरोप किया है बल्कि इसकी शिकायत भी उन्होंने जिलाधिकारी से की है। उनके मुताबिक जिलाधिकारी ने इस मामले में नगर पालिका के मुख्याधिकारी को जाँच के आदेश दिए है। बीसीएन के समक्ष डॉक्टर मुश्ताक ने अपना पक्ष रखा है। जुबेर भाई, मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी साहब और शासन नियंत्रणा इनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोतीनगर में योगा भवन जब बन रहा था, मैं वहाँ विजिट किया तो मुझे उस काम में अनियमितता और भ्रष्टाचार बहुत दिखने लगा। मैं फिर नगर पालिका में एक एप्लीकेशन करके उसका एस्टिमेट की नकल, प्लान, नकाशा वगैरह वगैरह सब लिया, उसकी तहकीकात किया और तहकीकात करने के बाद सबसे पहले मैंने वहाँ जाकर देखा कि भाई जो 13 कॉलम थे, जो 20 mm के 4 बार में बांधना था और 16 mm के 4 बार में बांधना था, लेकिन ठेकेदार ने वैसा नहीं करते हुए 12 and 16 ऐसे ही कॉलम बांधा। जब मैंने सोचा कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारा भ्रष्टाचार है, अभी उसको ऐसा करते कि मुख्याधिकारी साहब को मैं तकरार दी, उसके बाद जिलाधिकारी साहब को तकरार दी, जिलाधिकारी साहब ने उसके ऊपर 2 पत्र मुख्याधिकारी साहब को दी, मुख्याधिकारी साहब ने उसको अभी तक भी कोई चौकसी नहीं की। फिर उसके बाद का दूसरा भरना था जो जिससे हम बिल्डिंग जो खस्ता हालत होती है, जो गिरने का डर लगता है, जो उसका मेन जो पाया भरने का रहता है, तो समझो एक 20x40 का वो एक ऐसा गड्ढा है और 10 फुट ऐसा खुलाई है उसकी, और उसको एक स्तर हार्ड मुरुम और एक ऐसा करते करते 10 फुट तक उसको लेके जाना था, लेकिन ठेकेदार ने जो लाल मिट्टी निकली वही मिट्टी उसमें डाल लिया और ऊपर से सिर्फ एक थर मुरुम का और एक थर ATMM के गिट्टे का डाल के ये दिखाने की कोशिश की उसने कि भाई नीचे से लेके ऊपर तक हमने ये भर हुआ है। बस उसके बावजूद फिर मैं सारी तहकीकात करते रहा सारे। जबकि योगा भवन के इस मुद्दे पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए स्थानीय नगर सेवक सैयद अकरम ने बताया कि योगा भवन अर्थात फंक्शन हॉल की बिल्डिंग निर्माण कार्य विभाग के अधिकारी, अभियंता और निर्माण कार्य परीक्षण दस्ते की निगरानी में पूरे सरकारी मापदंडों के साथ निर्माण में लाई गई है। सैयद अकरम के मुताबिक यह योगा भवन की बिल्डिंग शहर के योगा भवनों की फहरिस्त में सर्वोत्तम है, जिसके निर्माण कार्य में शुरू से लेकर आखिरी तक उच्च पदस्थ अधिकारियों, निर्माण कार्य विभाग के संबंधित अभियंताओं का अमल दखल रहा है। ऐसे में कथित आरोप अनुचित है। देखिए, डिग्रस शहर में डिग्रस नगर पालिका की तरफ से करीब करीब 13 योगा भवन बनाए गए, जिसमें मेरे अपने मोतीनगर का योगा भवन, मैं ये समझता हूँ, जबकि मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, इन 13 योगा भवनों में सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कोई अगर योगा भवन बना होगा तो वो मेरे मोतीनगर का योगा भवन है। अब कुछ माजी नगर सेवकों का ये कहना है कि इस योगा भवन कंस्ट्रक्शन में, जिसे हम मोतीनगर वाले फंक्शन हॉल कहते हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और ये योगा भवन फंक्शन हॉल एस्टिमेट के मुताबिक नहीं बना है। मैं आपको ये बता दूं कि ये योगा भवन एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और नगर पालिका के तरफ से इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को करने के लिए एक PMC नियुक्त की जाती है। इस योगा भवन को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यवतमाल की एक PMC कंसल्टेंसी, जिसे कहा जाता है पटेल एंड कंपनी, को ये काम दिया गया था। उसके इंजीनियर विपुल पटेल साहब इसका देखरेख किया करते थे। उसके बाद
हमारे नगर परिषद के बांधकाम विभाग के डिप्टी इंजीनियर सदगर साहब इस कंस्ट्रक्शन का देखभाल किया करते थे, उसके बावजूद हमारे नगर पालिका के बांधकाम विभाग के HOD एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंजीनियर दरेकर साहब इस कंस्ट्रक्शन का देखभाल किया करते थे। उसके बाद जब संबंधित ठेकेदार का बिल देने की बात आती है तब गवर्नमेंट इंजीनियर यानी गवर्नमेंट कॉलेज के जो इंजीनियर होते हैं वो संबंधित कंस्ट्रक्शन का मुआयना करते हैं और उसे NOC देते हैं। वैसे ही मेरे मोतीनगर के इस फंक्शन हॉल को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया गया, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहा करते हैं। वो लोग आए, उनकी एक इंजीनियर की टीम आई, उन्होंने बाकायदा इस योगा भवन का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि अगर इस 13 योगा भवन में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोई योगा भवन बना है तो वो मेरे मोतीनगर का योगा भवन बना है। वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत न सिर्फ जिलाधिकारी से बल्कि विधायक संजय राठौड़ से भी की है और उन्होंने भी इसकी जांच का वादा किया है। माजी पालक मंत्री संजय राठौड़, इनसे मेरी दो बार चर्चा हुई। एक बार चर्चा नरसी सेठ के होटल में माननीय मात्री जी और रतन पारखे इनके सामने कि भाई मैंने बहू को बोला कि वो योगा भवन का काम अयोग्य भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है और उस पर आपको ख्याल देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने ये निधि लाया है, इसी वजह से आपके मैं कान पर डाल रहा हूँ कि भाई ये निधि का अफरा तफरा हो रहा है। संजय मोहन ने मुझसे जब वादा किया कि विधानसभा के चुनाव होंगे और मैं उसमें बिल्कुल बायकायदा उसमें उसकी ऑपरेशन करता हूँ, उसके बाद कल शुक्रवार के दिन हाजी करीम भाई के वहाँ संजय मोहन राठौड़ नगर पालिका के चुनाव के सिलसिले में वहाँ आए और मुझे फ़ोन करके बुलाए। मैंने वहाँ सिर्फ उनको ये याद दिलाई कि संजय भाव आपने जो योगा भवन के बारे में आश्वासन दिया था उसको आपने अभी तक पूरा नहीं करा और मेरी इच्छा ये है कि आप लोगों को अच्छे लोग होना चाहिए तो पहले उस योगा भवन का आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा आपके बोलने के मुताबिक। तो संजय भाव ने 100 लोगों के सामने कल मुझे आश्वासन दिया कि आप मुझे एक एप्लीकेशन दीजिए और उस एप्लीकेशन के आधार पर मैं पूरा चौकसी करके और उसको पूरा मामले को तोड़फोड़ करता हूँ। और मैंने बोला संजय भाव तोड़फोड़ करना चाहिए क्योंकि आपने लाखों करोड़ रुपए का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और 70% निधि की अफरा तफरा हुई, 30% में वो काम हुआ। अगर मैं बोलते हुए अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं उस योगा भवन के 100 लोगों के सामने पूरा योगा भवन के पैसे ठेकेदार के भर के दूंगा, ये मेरा वादा रहा। इस मामले पर सैयद अकरम ने भी अपने राजनीतिक विरोधियों को केवल विरोध के लिए विरोध न करने की सलाह देते हुए गलत काम का विरोध करने की सलाह दी और दोहराया कि वे मोहल्ले के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तो ये मानता हूँ कि राजकारण में विरोध और विरोधी राजकारण का एक अहम हिस्सा है, लेकिन मेरी अपनी अपने विरोधों से ये गुजारिश है, मैं अपने विरोधों का से ये कहना चाहता हूँ कि विरोध गलत बात का होना चाहिए, विरोध गलत काम का होना चाहिए। राजकारण करने के लिए सिर्फ विरोध, ये बात विकास के हित के लिए, अपने मोहल्ले के हित के लिए शायद अच्छी नहीं है। मैं अपने मोहल्ले का विकास करने के लिए चुनकर आया हूँ, लोगों ने मुझे मेरे मोहल्ले का विकास करने के लिए चुनकर दिए हैं, मैं अपना पूरा फोकस मेरे इस मोहल्ले का विकास करने में लगाना चाहता हूँ। रही बात जो इल्ज़ाम इस कंस्ट्रक्शन पर लगे हैं तो जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उन्होंने इस योगा भवन को NOC दी। बहरहाल राजनीति में विरोध, प्रतिरोध और मतभेदों को सकारात्मक नजरिए से समझा जाए तो इससे विकास कामों की गति बढ़ती है। ऐसे में मोतीनगर के विकास कार्यों के मुद्दे पर पूर्व नगर सेवक डॉक्टर मुश्ताक और वर्तमान नगर सेवक सैयद अकरम के बीच उभरे मतभेद सकारात्मक दिशा की ओर जारी रहते हैं तो निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम भी भविष्य में मोतीनगर के विकास कामों की बुनियाद को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ऐसी उम्मीद है। BCN News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।